गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज बाय सर हेनरी वॉटन, ए वेरी इंस्पायरिंग पोएम फॉर अस एंड वी शुड लर्न समथिंग फ्रॉम दिस पोएम। Character of a happy life is related to our activities, our thinking. When we live our life, there can be ups and downs in our life, and we have to face all those critical situations. But we must think that to be in trouble by the fulfillment of others' needs, we face trouble. अगर हम इसे व्यवहारिक रूप प्रदान करें तो हम कह सकते हैं कि जो खुशहाल जीवन जीने वाला व्यक्ति है, खड़ी है, वह स्वयं की इच्छाओं से काम करता है, स्वयं के अनुरूप काम करता है। अगर वह चाहे कि जीवन भर दूसरे की इच्छाओं की पूर्ति ही करे, दूसरों के अनुसार चलता रहे, अपनी कंसाइंस का प्रयोग न करे, अपनी अंतरात्मा का प्रयोग न करे, आत्मचिंतन का प्रयोग न करे, तो फिर उसका जीवन सुखमय नहीं हो। इन्हीं पंक्तियों को यहां लिखा है, हु हैज हिज लाइफ फ्रॉम ह्यूमर्स फ्रेज, हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, whose state can neither flatter speed nor rules make oppressors great, who has his life from rumors free। उसके जीवन में अफवाहों की कोई गुंजाइश नहीं होगी। He keeps his life far away from the rumors of the society। Whose conscience is in strong retreat, what he thinks, what he does, is based on his conscience. He asks the questions from his conscience and he does something according to his own. Whose state can neither flatter speed, state, position in the society, the flatterers cannot make clear position in the society, so he thinks that he is something according to his own, and he is not so important that the operators may keep themselves great by any harm given to him। उसके प्रस्थिति को, उसकी पोजीशन को फ्लैटरर्स न तो बना सकते हैं, न ही उसका विनाश करके विनाशक अपने को महान बना सकते हैं, ऐसा इस लाइन में कहा गया। देन यू हैव टू थिंक दैट कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ इज ए पोएम इन विच वी गेट एजुकेशन टू डू समथिंग अकॉर्डिंग टू आवर ओन। वी मस्ट आस्क समथिंग फ्रॉम आवर कंसाइंस
एंड वी शुड नॉट टेक बॉदरेशन फॉर अदर्स एंड वी हैव टू थिंक, वी हैव टू डू, वी हैव टू पॉन्डर, वी हैव टू कंसिडर अकॉर्डिंग टू द रियल सिचुएशन ऑफ द सोसाइटी. Sometimes society asks, or you can say society requires a lot of things from us, and we often lose our proper way. कभी कभी हम रास्ते से भटक जाते, कभी कभी हम अपने अंतरात्मा के अनुसार कार्य न करते हुए दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति में लग जाते हैं, जो हैप्पी लाइफ के लिए अच्छा नहीं. देन वी हैव टू थिंक दैट इफ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, वी हैव टू आस्क फ्रॉम आवर कंसाइज एंड वी हैव टू डू समथिंग according to our own. Thank you.